नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। अब हम महिला अपराध से संबंधित एक नया एक्ट पढ़ने वाले हैं, PCPNDT एक्ट है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, PCPNDT एक्ट है। अभी PCPNDT एक्ट कब बना दोस्तों और ये किससे संबंधित है, तो आप देख रहे होंगे ये एक सोनोग्राफी है। क्या है दोस्तों? सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी में एक बच्चा दिख रहा होगा आपको, ये क्या है दोस्तों? लिंग की जांच। क्या है दोस्तों? इस बच्चे की क्या की जा रही है? लिंग की जांच। क्या की जा रही है? लिंग की जांच। और लिंग की जांच कब की जा रही है दोस्तों? प्रसव से पूर्व। लिंग की जांच कब की जा रही है? प्रसव पूर्व। प्रसव का माने है कि डिलीवरी है उससे पूर्व, प्रसव पूर्व। तो प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक है, ये एक तकनीक है। उस तकनीक को रोकने के लिए, अब इस तकनीक को इजाद तो किया है, इसके कुछ फायदे भी हैं। इस तकनीक से कुछ संभावित चीज़ें भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो इसके नुकसान आप सभी जानते हो कि प्रसव से पूर्व, PCPNDT एक्ट कहता है, PCPNDT इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक निषेध एवं रोकथाम अधिनियम। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक, लिंग जांच तकनीक निवारण एवं रोकथाम अधिनियम। उसको रोकना, निवारण एवं रोकथाम अधिनियम। ये अधिनियम तो दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि PCPNDT एक्ट किस वर्ष का है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो आया 1994 के अंदर, 1994 में ये एक्ट बना, और ये एक्ट तो 1994 में पारित हुआ था, और पारित होने के बाद ये लागू हुआ 1/1/1996 में। तो 1 जनवरी 1996 को ये पूरे भारत में लागू हुआ। इस एक्ट को अब जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जब मान लो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, व्हाट्सएप पर वीडियो चलती है कि किसी बालिका का गला घोट कर या उसकी पैदा होते ही उसके जो घर वाले उसको मार देते हैं, तो कारण क्या है उन सब का? कारण है कि क्योंकि बच्ची की चाह नहीं होती है, क्योंकि इसका लिंग यहाँ से जांच लिया जाता है, और लिंग की जब जांच कर ली जाती है तो अगर उन्हें पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर एक बालिका जन्म ले रही है, तो उस स्थिति में वो उस बच्चे को गिरा देते हैं या उसका गर्भपात करवा देते हैं, जिसे अबॉर्शन कहते हैं, तो अबॉर्शन करवा देते हैं। तो उसी को रोकने के लिए PCPNDT एक्ट बनाया गया 1994 में, और अभी एसआई में क्वेश्चन आया इसी PCPNDT एक्ट से, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य पूछा जाता है कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है? तो इस एक्ट के लाने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कौन सा दोस्तों? कन्या भ्रूण हत्या। भ्रूण का माने जो कि अंदर गर्भ में रहती है कोई अगर बालिका, तो उसको रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना कन्या भ्रूण हत्या को, एक तो है इसमें रोकना, और दूसरा है गिरते लिंगानुपात को कम करना यानी बढ़ाना। तो गिरते लिंगानुपात को बढ़ाना, तो लिंगानुपात को बढ़ाना। तो ये दो इसके उद्देश्य हैं। तो समझेंगे इसको दोस्तों आगे इसी कड़ी में, क्या किसी भी महिला का लिंग की, जो महिला है उसके बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, की जा सकती है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं, उन्हीं स्थितियों में उस बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है। तो पहला तो इसमें नाम पढ़ेंगे दोस्तों, प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक है इसका नाम, और इसका निवारण एवं रोकथाम अधिनियम बना 1994 में। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया 1994 में, और पारित किया गया 1/1/1996 में। इसका नाम है लिंग की जांच प्रसव पूर्व तकनीक। चलते हैं इसी कड़ी में दोस्तों आगे। इसी के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इस एक्ट का प्रयोग कहता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, और केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने कुछ अनुमति दी है, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने कुछ अनुमति दी है और कहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है।
पहला किया गया है, पहला कहा गया है कि बच्चे के लिए कि किस स्थिति में किस बच्चे की लिंग की जांच की जा सकती है, तो पहला उसमें बताया गया है बच्चे में जन्मजात विकृति, बच्चे में जन्मजात विकृति, जन्मजात विकृति होने की स्थिति में, जन्मजात विकृति होने की स्थिति में, होने की स्थिति में, जन्मजात विकृति होने की स्थिति में, तो बच्चे में जन्मजात विकृति होने की स्थिति में उसके लिंग की जांच की जा सकती है। दूसरा इसी के अंदर बताया है बच्चे में किसी शारीरिक अंग की कमी, बच्चे में किसी शारीरिक अंग की कमी, बच्चे में किसी शारीरिक अंग की कमी, अंग की कमी होने पर उसकी लिंग की जांच यानी उसकी सोनोग्राफी की जा सकती है। तीसरा इसी में बताया गया है बच्चे में किसी आनुवांशिक रोग, बच्चे में किसी आनुवांशिक रोग होने की स्थिति में, आनुवांशिक रोग उसके पिता की कोई या माता की कोई बैकग्राउंड रहा हो, फैमिली बैकग्राउंड, तो आनुवांशिक रोग होने की संभावना पर भी उसकी लिंग की जांच की जा सकती है। चौथा इसी में बताया गया है बच्चे में रक्तवर्णिका संबंधी विकार उत्पन्न होने पर, बच्चे में रक्तवर्णिका संबंधी विकार उत्पन्न होने पर तो कितनी स्थिति में उससे संबंधित जांच की जा सकती है, जन्मजात विकृति जैसे बच्चे में हो सकती है उस स्थिति में, बच्चे में किसी शारीरिक अंग जैसे मान लो कभी कभी हार्ट नहीं बनता है या कभी कभी कोई उसका शरीर का अंग नहीं बनता तो उस स्थिति में को उसके सोनोग्राफी की जानी अनिवार्य होती है, आनुवांशिक रोग होने की संभावना में। और पांचवा इसमें बताया गया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य रोगों को, तो रक्तवर्णिका संबंधी जैसे रोग होता है हीमोफीलिया, कौन सा रोग है हीमोफीलिया, तो वहां पर भी हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया जैसे रोग होने की स्थिति में भी बच्चे की सोनोग्राफी की जानी चाहिए। तो केंद्रीय पांचवा बताया गया केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सूचित अन्य रोग होने की स्थिति में भी वहां पर किया जा सकता है सोनोग्राफी। तो ये कुछ पांच स्थितियां बताई गई दोस्तों कि बच्चे में जन्मजात विकृति होती है उस स्थिति में आप उसकी सोनोग्राफी की जा सकती है। ये मान्यता कौन देता है? केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। और केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने ही कुछ स्थान है जहां पर सोनोग्राफी की जा सकती है, तो उनका भी नाम बताया गया इस एक्ट में। तो उसमें बताया गया है कि पहला इसमें नाम बताया गया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, पहला नाम है दोस्तों आनुवांशिक जांच केंद्र पे हो सकती है। आनुवांशिक जांच केंद्र के अलावा दूसरी जगह बताई गई है आनुवांशिक सलाह केंद्र में भी इसकी जांच की जा सकती है। तीसरा है आनुवांशिक प्रयोगशाला, तो यहां पर भी इसकी जांच करवाई जा सकती है। चौथा इसी के अंदर बताया गया है अल्ट्रासाउंड लैब, यहां पर भी सोनोग्राफी की जा सकती है। और पांचवा बताया गया है इमेजिंग सेंटर, तो इन तीन जगह पर बच्चे की सोनोग्राफी की जा सकती है, इमेजिंग सेंटर। तो ये कुछ जगह है जहां पर बच्चे की PCPNDT की जांच की जा सकती है। तो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के द्वारा मान्यता प्रदान करने पर ही ये जो जितनी भी मैंने जगह आपको बताई ये पांचों जगह वहां पर जाकर अल्ट्रासाउंड इसकी जांच करवाई जा सकती है। अब इसी के अंदर, इस एक्ट के अंदर ही कुछ बातों का जिक्र और किया गया दोस्तों। इस एक्ट में ही कहा गया है कि यदि मान लो किसी महिला में कुछ विकार उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में वह कहां जाएगी, तो किसी महिला में कुछ विकार उत्पन्न होने की इसके अंदर चार विकारों की बात की गई इसी एक्ट में। चलते हैं इसी एक्ट में दोस्तों आगे। तो इसी एक्ट में अन्य बातें की गई है
कि महिला में विकार उत्पन्न होने पर, महिला में विकार उत्पन्न होने पर, विकार उत्पन्न होने पर, ये तो बच्चे की बात थी पहले, तो यहां महिला में विकार उत्पन्न होने पर, होने पर, होने पर डॉक्टर की सलाह से, किसकी सलाह से दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से बच्चे की लिंग जांच की जा सकती है, बच्चे की लिंग की जांच की जा सकती है, लिंग की जांच की जा सकती है, की जा सकती है। तो पहला, महिला में कौन सा विकार उत्पन्न होना चाहिए कि उसकी लिंग की जांच, उसके बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है। तो पहला बताया गया है कि उस महिला की उम्र, उम्र उस महिला की कितनी होनी चाहिए, तो उस महिला की उम्र की बात की गई है कि उस महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, उस महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, उस स्थिति में वह डॉक्टर से सलाह लेकर, अधिक हो तो वह डॉक्टर से सलाह लेकर बच्चे की लिंग की जांच करवा सकती है। दूसरी इसी में बात की गई है, उस महिला के जो 35 वर्ष से उच्च ऊपर वायु की है, उस महिला के दो से अधिक स्वतः गर्भपात क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक अबोर्शन हो जाता है, या स्वतः गर्भस्राव, उस महिला के दो या दो से अधिक स्वतः गर्भस्राव हो चुके हो तो उस स्थिति के अंदर भी वह महिला गर्भपात, वह महिला अपने बच्चे के लिंग की जांच करवा सकती है। तीसरा इसी के अंदर बात की गई है कि वह महिला किसी हानिकारक या नशीली दवाइयों के संपर्क में, वह महिला नशीली दवाइयों के संपर्क में रही हो तो डॉक्टर कहने के बाद वहां पर उस बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है। और चौथा इसी के अंदर बताया गया दोस्तों, वह महिला या उसका पति मानसिक मंदता का शिकार हो, तो महिला या उसका पति मानसिक मंदता का शिकार हो तो उस स्थिति में उस महिला की जांच की जा सकती है। खुद महिला अगर मानसिक मंदता की शिकार हो तो भी उसके बच्चे की लिंग की जांच की जा सकती है। मानसिक मंदता की शिकार हो तो भी उसके बच्चे की सोनोग्राफी की जा सकती है। और पांचवा इसी के अंदर बात की गई है, उस बच्चे का जो उस बच्चे के माता पिता है या उस महिला है, तो उस महिला का या उसके पति का अनुवांशिक रोगों का इतिहास रहा हो, तो पांचवा है अनुवांशिक रोग का इतिहास रहा हो। तो ये सारी बातें दोस्तों इसके अंदर की गई है। वापस समझते हैं, महिला में विकार उत्पन्न होने पर डॉक्टर की सलाह से, किसकी सलाह से दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से, तो महिला में विकार उत्पन्न होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह से बच्चे की लिंग की जांच की जा सकती है। पहला, उस महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उस महिला के दो या दो से अधिक स्वतः गर्भस्राव हो चुके हो, और उस स्थिति में दो या दो से अधिक स्वतः गर्भस्राव हो चुके हो तो उस स्थिति में स्वतः गर्भस्राव और ऑटोमेटिक गर्भस्राव यानी अबॉर्शन हो चुका हो या ऑटोमेटिक इसकी ब्लीडिंग के कारण उसके जो गर्भ है वो गिर चुका हो। और तीसरी बात की गई है, महिला नशीली दवाइयों या रसायनों के संपर्क में रही हो तो भी उसके बच्चे की लिंग की जांच की जाएगी। चौथा है, महिला या उसके पति जो कि है वो मानसिक मंदता का शिकार हो, उस स्थिति में उनके बच्चे की लिंग की जांच की जाएगी। और पांचवा है दोस्तों, अनुवांशिक रोगों का उनका कोई बैकग्राउंड रहा हो, फैमिली बैकग्राउंड रहा हो, तो उस स्थिति में डॉक्टर की सलाह से ये सारी जांचें, ये जो पांच प्रकार की मैंने जांचें आपको बताई दोस्तों, इनकी जाँच की जाएगी। चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में आगे। जब मान लो, अभी एक ऐसा ही में क्वेश्चन आया, राजस्थान पुलिस एसआई,
राजस्थान, राजस्थान पुलिस एसआई, पुलिस एसआई, और राजस्थान पुलिस एसआई का एक क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वह क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021, इसमें एक क्वेश्चन आया है। उसमें क्वेश्चन आया है कि यदि कोई पीसीपीएनडीटी की अवैध रूप से, इस एक्ट के तहत अवैध रूप से जांच कर रहा है, तो मुखबिर को कितनी राशि इनामी रूप से दी जाएगी? तो मुखबिर को, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया है, मुखबिर को कितनी राशि, मुखबिर को कितनी राशि इनाम के रूप में, कौन सा एक्ट है? पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस को ऐसे ही भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा। राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की है अगस्त के अंदर, राजस्थान सरकार की घोषणा है कि मुखबिर को कितनी राशि दी जाएगी, यह क्वेश्चन आया था, कितनी राशि इनाम में दी जाएगी, कितनी राशि इनाम में दी जाएगी। तो पहले तो दोस्तों ये राशि 2.5 लाख रुपए थी, कितने? 2.50, या इसको 2.5 बोल दो। पहले ये राशि कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। तो पहले तो ये थी अगस्त 2021 से पहले, और अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 लाख रुपए। कितनी लाख रुपए दोस्तों? 3 लाख रुपए। अब अगर कोई पीसीपीएनडीटी की कोई जांच कर रहा अवैध, अगर किसकी इसकी कोई जानकारी देता है, तो उस मुखबिर को 3 लाख रुपए पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत दिए जाएंगे इनामी राशि के तौर पर। और इसी एक्ट में कहा गया है कि कोई अवैध रूप से कोई डॉक्टर या कोई लैब कर्मी अवैध रूप से लिंग जांच करता है, लिंग जांच करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। अवैध रूप से लिंग जांच करता है तो उसके लिए 3 से 5 साल तो सजा की बात की गई है, और इसी के अंदर जुर्माने की बात की गई दोस्तों, 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहीं से पीसीपीएनडीटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो आया था कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल में कि पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किस दिन हुआ, तो किस वर्ष हुआ, तो 1994 के अंदर तो ये पारित हुआ, 1996 में लागू हुआ। और पूछा गया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत यदि कोई डॉक्टर या लैब कर्मी अवैध रूप से बच्चे की लिंग की जांच कर रहे हैं तो उन्हें कितनी सजा का प्रावधान है, तो 3 से 5 साल की तो सजा का प्रावधान है, और 10 से 50,000 रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान इस पीसीपीएनडीटी एक्ट में किया गया है। और क्या प्रावधान दोस्तों इसमें देखने को मिलते हैं? तो ये सारे प्रावधान मैंने अभी आपको बताए दोस्तों कि किस किस आधार पर ये इसके अंदर जांच की जा सकती है। तो एक बार आप इसका वापस रिवीजन करेंगे दोस्तों, प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे इसके अंदर चर्चा करेंगे, रिवीजन करवा देंगे दोस्तों फिर इसका। प्रसव पूर्व लिंग जांच तकनीक 1994 का है एक्ट, 1996 में लागू हुआ। इसके 2 उद्देश्य दोस्तों, पहला उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, और दूसरा गिरते लिंगानुपात को बढ़ाना। तो ये 2 उद्देश्य चलते इसी क्रम में आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड ये जो कि मान्यता प्रदान करता है, और ये मान्यता प्रदान के अंदर 5 ऐसे स्थान है जहां पर बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है, बच्चे के लिंग की जो सोनोग्राफी है वो यहां पर की जा सकती है। पहला स्थान है दोस्तों आनुवांशिक जांच केंद्र, दूसरा है आनुवांशिक सलाह केंद्र, तीसरा आनुवांशिक प्रयोगशाला, चौथा है अल्ट्रासाउंड लैब, और 5वां है इमेजिंग सेंटर। इसी के अंदर जन्मजात विकृति होने की स्थिति में बच्चे में किसी शारीरिक अंग की कमी हो जाती है तब उसकी जांच की जा सकती है। आनुवांशिक रोग की होने की संभावना हो उस स्थिति में, रक्तवर्णिका संबंधित रोग जैसे हीमोफीलिया होने की, जैसे हीमोफीलिया रोग है तो वैसे रोग होने की अगर संभावना हो तो उस स्थिति में बच्चे की लिंग की जांच की जा सकती है। और केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा सूचित अन्य जो भी रोग है उन स्थिति में बच्चे की लिंग की जाँच की जा सकती है। तो ये 5 कारण है कि बच्चे की लिंग की जाँच की जा सकती है। लेकिन अगर महिला के कुछ
महिला में विकार उत्पन्न होने पर डॉक्टर की सलाह से भी बच्चे के लिंग की जांच की जा सकती है। पहला, इसके अंदर बताया गया है कि उस महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उस महिला के दो या दो से अधिक स्वतः गर्भपात हो चुके हों या दो से अधिक स्वतः गर्भ स्त्राव हो चुके हों, तो उस स्थिति में महिला के लिंग की जाँच की जा सकती है। महिला किसी नशीली दवाइयों के संसर्ग में रही हो या फिर नशीली दवाइयों के अलावा भी वह किसी हानिकारक रसायनों के संपर्क में रही हो। और चौथा इसी में बताया गया है, महिला या उसका पति मानसिक मंदता का शिकार हो या आनुवांशिक रोग का कोई बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड रहा हो, तो उस स्थिति में उस महिला के लिंग की जाँच की जा सकती है। अब लिंग की जाँच कोई व्यक्ति अवैध रूप से करता है तो उस स्थिति में ऐसा ही में अगर ये क्वेश्चन आया है कि PCPNDT एक्ट के तहत मुखबिर को कितनी राशि दी जाती है, तो अभी वर्तमान में 3 लाख रुपये, कितनी दोस्तों 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए मुखबिर को इनाम में दिए जा रहे राजस्थान सरकार के द्वारा। ये अगस्त 2021 के बाद में है दोस्तों, ध्यान रखिए कब, अगस्त 2021 के बाद का डाटा है। पहले तो 2.5 लाख मिलते थे और अब मिल रहे हैं 3 लाख रुपए। और अब जांच करने पर तीन से, अगर कोई अवैध रूप से किसी बच्चे के लिंग की जांच कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लेब कर्मी है, तो उस पर 3 से 5 साल की तो सजा का प्रावधान किया गया और 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की जुर्माने की इस एक्ट में बात की गई है। दोस्तों इस एक्ट का अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे और चलेंगे फिर नेक्स्ट एक्ट की ओर। एक बार आप इसका शॉट में स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्ट में हमने PCPNDT एक्ट को पढ़ा, ये लास्ट बात ध्यान रखें। अगर इसके अंदर अगर कोई अवैध जांच करता है तो 3 से 5 साल की सजा और 10,000 रुपये से 50,000 का जुर्माना, और अब मुखबिर को 3 लाख रुपये इनाम में दिए जाएंगे। तो इस एक्ट को यही समाप्त करते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले एक्ट को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने महिला अपराध से संबंधित 6 एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और अब नंबर 7वां जो एक्ट है हमारा वह है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। जो नंबर 7 एक्ट है हमारा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक्ट किससे संबंधित है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम जो कि है 1956 में ये एक्ट बना, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो रेड लाइट एरिया, ये रेड लाइट एरिया जो कि है कहाँ का दोस्तों, मुंबई का। अब ये मुंबई का रेड लाइट एरिया किससे संबंधित है, तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो ये कुछ प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या। क्या है दोस्तों, वेश्या। और इन वेश्याओं से संबंधित ये जो एक्ट है, ये इन वेश्याओं को समाज में उच्च स्तर पर ले जाने तथा इनको वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए एक्ट लेकर आए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। अनैतिक व्यापार है ये, कैसा व्यापार दोस्तों, अनैतिक व्यापार। तो ये फोटो में देख पा रहे हो कि ये जो महिलाएं आपको दिख रही है ये किससे संबंधित है, ये वेश्यावृत्ति से संबंधित है। इससे संबंधित एक स्टोरी बताना चाहूंगा दोस्तों, उज्जैन के एक राजा हुए राजा भर्तहरि। क्या नाम है दोस्तों, राजा भर्तहरि। और राजा भर्तहरि कि एक पत्नी थी पिंगला। क्या नाम है दोस्तों, पिंगला। और पिंगला रानी पिंगला, और ये उज्जैन के राजा भर्तहरि। अब उज्जैन के राजा भर्तहरि और रानी पिंगला की संबंधित स्टोरी है। और इस राजा भर्तहरि के जो गुरु हैं वो है दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी। क्या नाम है, गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी ने एक ऐसा फल ईजाद किया, एक ऐसा सेव ईजाद किया जिस फल को खाने के बाद
कोई भी अगर इंसान इस फल को खाता तो वो आजीवन यौवन अवस्था को प्राप्त करता। तो ऐसा फल एक ईजाद किया किसने? गोरखनाथ जी ने। और फिर गोरखनाथ जी ये फल लेकर अपने शिष्य राजा भरतहरि को वह फल लाकर देते हैं। तो राजा भरतहरि इस फल को अपने हाथ में रखता है और खाने से पहले ये सोचता है कि यार इस फल को मैं नहीं खाकर मेरी पत्नी जो कि रानी पिंगला है, वो रानी पिंगला खाए तो ज़्यादा सही रहे। रानी पिंगला जो कि मुझे आजीवन, अगर मैं यहाँ पर इसको खाऊंगा तो मेरी बजाय ये अगर इस फल को अगर रानी पिंगला खाए तो वो ज़्यादा यौवन अवस्था प्राप्त करेगी, अधिक सुंदर बनेगी, तो इससे मेरी कामुक जो प्रवृत्ति है उसका वह संतुष्टि कर पाएगी। तो इस का यह सोचकर ये राजा भरतहरि ये जो फल है जो कि यौवन अवस्था प्रदान करेगा इसको रानी पिंगला को दे देता है। अब राजा भरतहरि अपनी रानी पिंगला से अथाह प्रेम करता है, इसी कारण ये फल अपनी पत्नी को देता है। इसी के दरबार के अंदर रानी पिंगला, यहाँ पर एक दरबारी बैठा होता है और इस दरबारी का नाम है कोतवाल। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कोतवाल से रानी पिंगला प्रेम करती है तो रानी पिंगला भी इस फल को नहीं खाकर और अपने जो प्रेमी है कोतवाल उसको ये फल दे देती है। तो ये फल अब रानी पिंगला से किसके पास आ जाता है? कोतवाल के पास। कोतवाल भी, अब आपने एक मूवी देखी होगी हाल ही ए दिले मुश्किल, तो उसी मूवी की तरह यहाँ पर भी सीन होने वाला दोस्तों। ये कोतवाल भी इस फल को नहीं खाकर ये भी एक वेश्या से प्रेम करता है और वेश्या को कहते हैं प्रोस्टिट्यूट, और ये इस वेश्या से ये प्रेम करता है। तो ये भी कोतवाल ये सोचता है कि मैं इस फल को नहीं खाकर मैं इस वेश्या को दे दूं जो कि अगर आजीवन जो कि मुझे जो मैं संभोग करता हूं तो मुझे ये संतुष्टि प्रदान करेगी और ये अधिक यौवन अवस्था प्राप्त कर लेगी। तो ये कोतवाल भी ये सोचकर ये फल किसे दे देता है? वेश्या को दे देता है। अब ये वेश्या के हाथ में फल आता है, फल को खाने से पूर्व वेश्या के मन में ख्याल आता है कि यदि मैं आज इस फल को खाई तो आजीवन मुझे इस नरक भरी योनि को भोगना पड़ेगा। तो यही सोचकर ये वेश्या इस फल को नहीं खाती है और ये सोचती है कि इस फल का सही उपयोग किस जगह हो सके। तो इसने ये सोचा कि ये उज्जैन के जो राजा भरतहरि है ये एक कल्याणकारी शासक है जो कि इस फल को अगर मैं इनको दूंगी तो ये युगों युगों तक इस पृथ्वी का कल्याण करेंगे। और यही सोचकर ये वेश्या इस फल को नहीं खाती और ले जाकर किसे देती है? उज्जैन के राजा भरतहरि को। जब ये सेब राजा भरतहरि के पास जाता है तो राजा भरतहरि को सारी स्टोरी पता चलती है कि रानी पिंगला जो कि मुझसे धोखा कर रही है, उस स्थिति में जब ये वेश्या जैसे ही फल ले जाकर देती है तो राजा को ये सारी स्टोरी पता चलती है। स्टोरी पता चलने के बाद राजा और रानी पिंगला और इस कोतवाल को सजा देता है और अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को सौंपकर अलवर के सरिस्का के जंगलों में आ जाता है। और आने के बाद यहाँ पर ये तीन ग्रंथ लिखता है। पहला लिखता है श्रृंगार शतक। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? श्रृंगार शतक। और पहला श्रृंगार शतक लिखता है कि ये जो रानी पिंगला श्रृंगार करती है वो मेरे लिए नहीं कर इस कोतवाल के लिए करती थी। दूसरा लिखता है नीति शतक। कौन सा दोस्तों? नीति शतक है। और नीति शतक में ये बात कहता है कि रानी पिंगला की नीति खराब थी। और चौथा लिखता है वैराग्य शतक। ध्यान रखेंगे तीसरा कौन सा लिखता है? वैराग्य शतक। तो तीन ये ग्रंथों की रचना करता है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतकों की रचना करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये स्टोरी सुनाने के पीछे मेरा ये प्रयोजन था कि ये जो वेश्या थी ये यही सोच रही थी कि अगर मैं इस सेब को खाऊंगी तो आजीवन मुझे इस नरक भरी योनि को जीवन जीना पड़ेगा या मैं इस योनि से पहले ही परेशान हूँ। तो इसलिए मैंने आपको इस स्टोरी को यहाँ पर सुनाया दोस्तों। तो अब चलते हैं इस एक्ट की ओर जो कि अनैतिक व्यापार रोकने के लिए, जो कि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे वर्ष 1956 में बनाया गया। किसको रोकने के लिए दोस्तों? ध्यान रखेंगे ये अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए 1956 के अंदर इस एक्ट को बनाया गया। इस एक्ट की दोस्तों धाराएं हैं, वो धाराएं ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं इस एक्ट की धाराओं से संबंधित बातों की ओर। तो इस एक्ट के दोस्तों हम चार भाग करेंगे। कितने भाग? चार भाग। चार भाग में इसके चार एक्ट को पढ़ना है दोस्तों। कितने एक्ट है इसके दोस्तों? चार एक्ट। पहला एक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस एक्ट के अंदर चार धाराएं हैं। तो पहली धारा है दोस्तों धारा 366 क क्या कहती है? क्या कहती है? किसी 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या महिला से जानबूझकर संभोग करना
संभोग करना, या तो व्यक्ति खुद संभोग करता है उस बालिका या महिला के साथ, या किसी अन्य व्यक्ति, या किसी अन्य व्यक्ति, या किसी अन्य व्यक्ति से, या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है, ऐसा करवाता है, यानी ऐसा क्या करवाता है, ऐसा संभोग करवाता है, या किसी अन्य व्यक्ति से उस बालिका के साथ या महिला के साथ संभोग करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 366 क के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को धारा, ऐसे व्यक्ति को धारा 366 क के तहत 10 साल की सजा, कितने साल की सजा दोस्तों, 10 साल की सजा का प्रावधान, 10 साल की सजा होती है, 10 साल की सजा का प्रावधान, का प्रावधान है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये पिछली बार के पेपर में यहां धारा 366 क आई थी, तो 366 क में दोस्तों आपने पढ़ा, 366 क कहती है कि 366 क है किसी 18 वर्ष, दोस्तों यहां ध्यान रखेंगे उम्र की, कितनी उम्र की बात की गई है, किसी 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या महिला से जानबूझकर संभोग करना, या उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा करवाना अपराध है, और ऐसे व्यक्ति को धारा 366 के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों इस एक्ट की जितनी भी धारा पढ़ेंगे उसमें आपको ये सजा तो यही मिलेगी, 10 साल, सब जगह 10-10 सालों की सजा का प्रावधान है। तो धारा 366 वेरी इंपॉर्टेंट, चलते हैं इसी की अगली धारा, धारा 366 ख। अब पढ़ते हैं दोस्तों धारा 366 ख, धारा 366 ख क्या कहती है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। धारा 366 ख, धारा 366 क, धारा 366 ख, अब ख क्या कहती है, तो दोस्तों धारा 366, अब ख को आप याद करेंगे खजाकिस्तान से, कैसे याद करेंगे, खजाकिस्तान से, खजाकिस्तान या याद करेंगे इसको कश्मीर, क्या याद करेंगे, कश्मीर नहीं, कश्मीर, तो कश्मीर या खजाकिस्तान से इसको याद करेंगे। अब इस धारा में क्या बात का उल्लेख किया गया है, धारा 366 है, धारा 366 ख, अब 366 ख किसकी बात करता है दोस्तों, तो 366 ख कहता है किसी 21 वर्ष से, किसी 21 वर्ष से कम आयु की महिला, आयु की, किसी 21 वर्ष से कम आयु की महिला को विदेश से आयात, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, विदेश से आयात, यहां कितने आयु की बात की गई है, विदेश से आयात, तो यहां देखना किसी 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को विदेश से आयात इस आशय से किया जाता है, इस आशय से किया जाता है कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस स्थिति में उसे सजा की बात की गई। मैंने कहा जिसकी चारों धाराएं पढ़ेंगे तो चारों धाराओं में सजाओं का उल्लेख कितना है दोस्तों, तो सजा का प्रावधान किया गया 10 साल की सजा। कितने साल की सजा दोस्तों, उसे सजा 10 साल की सजा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, सजा कितने साल की है, 10 साल की। तो ये धारा 366 ख इंपॉर्टेंट है, धारा 366 ख कहती है। अब यहां मैंने लिखा खजाकिस्तान, अब खजाकिस्तान का मतलब क्या है दोस्तों, खजाकिस्तान का मतलब है भारत के लिए ये खजाकिस्तान क्या हो गया, क्योंकि जब भारत को हम इस प्रकार ऐसे देखते हैं तो खजाकिस्तान भारत के लिए क्या है दोस्तों, एक विदेश है, विदेशी देश होने के कारण इसको कहेंगे विदेश से आयात, क्या कहेंगे, खजाकिस्तान, ख को आप याद करेंगे विदेश से आयात, किसी महिला को विदेश से इस आशय से आयात करते हैं कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। तो ध्यान रखना
एकमात्र जगह यहां पर वर्णन आ रहा है 21 वर्ष। तो इस एक्ट में जब जब हम एक्ट में महिलाओं की उम्र पढ़ेंगे तो वहां 18 वर्ष आएगा, लेकिन खय के अंदर ही आएगा 21 वर्ष। तो इस खय के अंदर ही आपको याद करना है 21 वर्ष से किसी महिला जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो विदेश से इस आशय से आयात किया जाता। आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब है भेजना। तो विदेश से आयात करना किया जाता है तो उसे और उस आयात इसलिए किया गया कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा, जो कि उसको आयात कर रहा है उसको कितने साल की सजा दोस्तों, 10 साल की सजा। और ये जो धारा 366 है पिछले साल पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछी गई, पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो ये पिछली बार पुलिस कांस्टेबल 2021 का प्रश्न का प्रश्न 21 का प्रश्न 2021 का सॉरी 2020 में जो पेपर हुआ 2020 में जो 7 नवंबर को पेपर हुआ और उसका ये प्रश्न है दोस्तों। धारा 366 खै पूछी गई है और एक धारा 372 पूछी गई है। तो उसका मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए तो वहां पर भी जिक्र किया, वो जो प्रश्नोपत्री हमने करी 101 प्रश्नों की उसके अंदर भी मैंने उनका जिक्र किया है। चलते हैं दोस्तों इसी प्रश्न के आगे, धारा अन्य धारा पढ़ने के साथ धारा आगे इसी के पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे धारा 372। अब धारा 372 क्या है दोस्तों, धारा 372 को पढ़ेंगे तो धारा 372 किस बारे में उल्लेख करती है, धारा 372 किस बारे में उल्लेख कर रही है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने धारा 366 कै पढ़ी, फिर धारा 366 खै पढ़ा। अब धारा 366 को हम इसको याद करेंगे 72 से, हिंदी में इसको लिखेंगे अपन 72, और यही इसको याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा है 72, हिंदी में लिखा है 72, तो 72 से आप याद करेंगे इसको। ये जो बै है इस बै को आप याद करेंगे, इस बै को एक अलग पेन से लिख लेंगे या इसको अलग हाईलाइट कर लेंगे और इसी के नीचे लिखेंगे बेचना। क्या होता है दोस्तों, बै का मतलब याद करेंगे बेचना। अब जब 366 खै पढ़ रहे थे तो वो तो हमने पढ़ा खजाकिस्तान यानी विदेश से लड़की का आयात कर रहे थे, और यहां पर 72 का मतलब याद करेंगे बेचना। अब बेचने का मतलब क्या है दोस्तों, अब जो हमने बै लिया है और इस बै का लिए मतलब भी हमने लिया है क्या है, बेचना। तो धारा 372 किससे संबंधित है, तो आप इसको अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखवाया है तो वैसे का वैसा आप एक लाइन में ऐड कर देंगे कि 72 का मतलब क्या है, बेचना। और अब इसको समझेंगे धारा 372 में किस बात का उल्लेख है, तो किसी बात कर रहा है किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से बेचना। यहां ध्यान रखना दोस्तों किसकी बात हो रही है, बेचने की। किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से बेचना कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। तो उस स्थिति में मैंने कहा सब जगह जितनी भी धाराएं इसमें पढ़ेंगे इस एक्ट में, तो उस स्थिति में दोषी व्यक्ति को जो सजा का प्रावधान किया गया दोस्तों, तो उस स्थिति में सजा का प्रावधान तो सजा तो दोषी को सजा कितनी होगी दोस्तों, तो दोषी व्यक्ति को जो सजा होगी उसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया कि 10 साल की सजा। सभी व्यक्तियों को कितने साल की सजा, 10 साल की सजा। जो भी ऐसा अपराध कारित करता है यानी खरीद बेचता है, यहां 72 में किसकी बात है दोस्तों, बेचने की बात है। 72 मतलब ही क्या है, बेचना। बह का मतलब 72 और बह का मतलब ही बेचना। तो धारा 372 पिछली बार का क्वेश्चन, धारा 366 आई थी और धारा 372 एग्जाम में आया था। तो ये भी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पिछली बार का 2020 में पेपर हुआ पुलिस कांस्टेबल, तो पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा 372 पूछ ली तो धारा 373 अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भारत धारा 372 में बेचना है तो धारा 373 में क्या हो जाएगा, खरीदना। तो सारी बात हो कि वही आ जाएगी। और धारा 373 पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं धारा 373 इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पिछली बार 72 पूछ ली, तो अब 373 इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने कहा कि 72 में बेचना हो गया तो 73 में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, खरीदना। क्या आ जाएगा दोस्तों, 73 में क्या हो जाएगा, खरीदना। जब 72 में बै से हमने याद कर लिया बेचना, तो 73 में क्या हो जाएगा, खरीदना। अब इसकी परिभाषा समझे, किसी जब आप 366 पढ़ते तो वही एक आयु की बात आती है 21 वर्ष, लेकिन बाकी सब में कितनी आएगी, 18 वर्ष। किसी 18 वर्ष से, किसी 18 वर्ष से कम, किसी 18 वर्ष से कम आयु की, आयु की महिला, किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को, महिला को इस आशय से, इस आशय से, आशय से खरीदना, किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से खरीदना कि, खरीदना कि उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, उससे, उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, कराई जा सके, उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके। किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से खरीदना कि उससे वेश्यावृत्ति कराई जा सके, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को, ऐसे दोषी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को, ऐसे दोषी व्यक्ति को कितने साल की सजा, दोस्तों मैंने एक बार पहले बता दिया कि 10 साल की सजा। कितने साल की सजा, सभी एक्ट में एक साथ ध्यान रखेंगे कितने साल की सजा की बात हो रही है, 10 साल की सजा, और सजा के साथ जुर्माना तो है, तो जुर्माना तो लेंगे ही, तो सभी एक्ट में सजा तो है 10 साल की, 10 साल की जुर्माना और 10 साल की सजा और जुर्माना। तो ये दोस्तों धारा थी 366। अब इसके अंदर एक नोट डाल के, आप अपनी कॉपी में अगर कोई लिख रहा है तो अपनी कॉपी में नोट डाल के एक फैक्ट लिख लो कि ये नोट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस नोट में किस बात की, किसके बारे में बात की गई है, तो ये दोस्तों समझो, इस नोट के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा गया है यदि कोई व्यक्ति, यदि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी, किसी महिला, किसी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो कि वेश्यावृत्ति की कमाई, वेश्यावृत्ति की कमाई, कि वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति की कमाई, यहां बात हो रही दोस्तों कमाई की, किसकी कमाई की, वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन, पर जीवन यापन करता हो, जीवन यापन करता हो, तो उस व्यक्ति के लिए सजा क्या है, तो उस व्यक्ति के लिए सजा अलग हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहां से, अगर वेश्यावृत्ति की कमाई पर वह व्यक्ति रह रहा है तो उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के लिए जो सजा है वो न्यूनतम तो होगी दोस्तों अलग, और अधिकतम होगी अलग। तो न्यूनतम सजा उस व्यक्ति के लिए कितनी है, न्यूनतम है 7 वर्ष की, और अधिकतम दोस्तों ध्यान रखेंगे जो अधिकतम सजा है दोस्तों, अधिकतम सजा कितने वर्ष की होगी, तो अधिकतम सजा हो जाएगी दोस्तों, अधिकतम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी 10 साल की। कितने, 10 साल की। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और ये एक्ट इसी आधार पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट क्या करना आपको अपनी कॉपी में, कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है कि वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करता है, तो उस स्थिति में उसके लिए न्यूनतम सजा तो हो जाएगी 7 साल की, और अधिकतम सजा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 साल की। तो ये सारी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, अधिकतम सजा तो 10 साल की, कमाई पर जीवन यापन करता है, और न्यूनतम सजा उसके लिए कितने साल की हो जाएगी दोस्तों, 7 वर्ष की। तो ये सारी बातें इस एक्ट में, चलते हैं एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार इसका रिवीजन करेंगे, फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक बार इस एक्ट के बारे में समझे, वापस स्क्रीनशॉट लेंगे, शुरुआत से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में हमने चर्चा की, और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 किसको रोकने के लिए, ये मैंने स्टोरी बताई आपको सारी दोस्तों, राजा भरतहरी की, उज्जैन का राजा है भरतहरी, इसकी स्टोरी बताकर मैंने आपको बताया कि ये जो वेश्या है, उस वेश्या ने कहा कि मैं इस वेश्यावृत्ति से वैसे ही परेशान हूं, इस नरक भरी जिंदगी को वैसे ही जी रही हूं, तो अब मैं इस नरक भरी जिंदगी को आगे नहीं जीना चाहती हूं, यही सोचकर ये अपना जो शैव है वो ले जाकर किसको देती है, उज्जैन के राजा भरतहरी को। भरतहरी वहां से, उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर
अलवर के सरिस्का के जंगलों में आ जाते हैं और यहां पर अपने कनफड़े नातों का धुना लगाते हैं और तीन ग्रंथों की रचना करते हैं, संगा शतक, वैराग्य शतक और नीति शतकों की रचना करते हैं। अब ये एक्ट मैंने बताया कि वेश्याओं को सम्मान दिलाने के लिए, वेश्याओं को सम्मान दिलाने के लिए और इसके अलावा उनकी जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करने के लिए, तो वेश्याओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 1956 में ये एक्ट लाया गया, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। चलते हैं दोस्तों इसी की आगे कड़ी में, इसकी धाराएं वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। धारा 366 कह, किसी 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या महिला को जानबूझकर या बालिका से जानबूझकर संभोग करना या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाना, ऐसे कोई अगर व्यक्ति ऐसा करवाता है तो वह धारा 366 कह के तहत, धारा 366 कह के तहत अपराधी है और उस व्यक्ति को कितनी साल की सजा, तो दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा की बात की गई। अब मेरी तरफ से एक अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, अनैतिक व्यापार का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है, अनैतिक व्यापार का नाम आते ही आपको ध्यान रखना सजा, इसकी जो धाराएं हैं अगर धारा कहीं आई है तो दोषी को सजा सभी धाराओं में 10 साल की सजा होगी। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब का है, 1956 का है दोस्तों, तो 1956 के अंदर इसकी दोषी के लिए सजा की प्रावधान की गई है, कितने 10 साल की सजा। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ये नहीं पूछा, क्योंकि 366 पूछ लिया गया है पिछली बार के पेपर में और धारा 372 पूछ ली गई है, तो अब इसके अलावा 366 का इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक 373 इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार इसका। चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में आगे, धारा 366 है, मैंने आपको कहा था कि इसको याद करेंगे कजाकिस्तान से, कैसे याद करेंगे कजाकिस्तान से, भारत से बाहर है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान का मतलब याद करेंगे विदेश से लड़की को आयात इस आशय से किया जाता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, इस आशय से आयात किया जाता है कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, तो उस व्यक्ति को दोषी जो व्यक्ति होगा उसको सजा, मैंने कहा कितने साल की, 10 साल की सजा का प्रावधान है। और पिछली बार ये 7 नवंबर का जो पेपर हुआ था पुलिस कॉन्स्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं दोस्तों आगे, धारा 372 को मैं आपको याद कराया था कि आप याद करेंगे 72 को बैसे बेचना, तो ऐसे ही मैंने इसको याद कराया है और आप याद करेंगे बैसे 72 बैसे बेचना, और यानी किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से बेचना, ये जो बेचना खरीदना है दोस्तों, धारा 373 और धारा 372 ये दोनों धाराएं देश के भीतर है, ये किसके बात है, देश के भीतर, देश के अंदर या देश के भीतर की बात है, किसकी बात है, देश के भीतर की बात। धारा 372 का ये पिछली बार कॉन्स्टेबल क्वेश्चन आ चुका है, किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से बेचना कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, तो ऐसी दोषी व्यक्ति को कितने साल की सजा दोस्तों, 10 साल की सजा। चलते हैं इसी का लास्ट पॉइंट, धारा 373 के यदि जब 72 में खरीदना, जब बेचना आ गया 72 में बेचना तो 73 में खरीदना, तो किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को इस आशय से खरीदना कि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को कितने साल की सजा दोस्तों, 10 साल की सजा और साथ ही जुर्माना होगा। ये भी ध्यान रखना, ये नोट लगा के लिख लेना, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है कि वेश्यावृत्ति की कमाई, यहां बात हो रही दोस्तों वेश्यावृत्ति की कमाई पर वह अपना जीवन यापन करता है, तो उसके लिए दो प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। पहली सजा उसके लिए कही गई है कि वह अगर वैसी कमाई पर रहता है तो उसके लिए न्यूनतम सजा होगी 7 साल की और अधिकतम सजा होगी दोस्तों उसके साथ 10 साल की। अब इसके अंदर एक लास्ट बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अंदर इसी एक्ट में एक और बात की गई है कि जैसे मान लो ये कोई घर है, ये घर मान लो यहां पर है, तो इस घर के आसपास के ये बीच में घर है, इस घर के आसपास के 200 मीटर का दायरा, 200 मीटर के दायरे की इसके अंदर बात की गई है कि कितने मीटर के दायरे तक उस घर का जो परिसर है वो काम में लिया जाएगा, तो 200 मीटर, तो ये 200 मीटर के दायरे की इस घर की बात की गई है, इस घर के 200 मीटर के दायरे का जो क्षेत्र है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि मान लो कहीं पर वेश्यावृत्ति हो रही है या होती आ रही हो, तो उस स्थिति में जो रेड डालने का काम एक विशेष पुलिस अधिकारी होता है, विशेष पुलिस अधिकारी
की नियुक्ति कौन करता है, तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है दोस्तों? राज्य सरकार। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार की। अब जो आप ये दोस्तों ये पढ़ रहे हो कि जो विशेष पुलिस अधिकारी है, ये विशेष पुलिस अधिकारी किस स्तर का अधिकारी होगा जो कि रेड डालेगा या जो छापा डालेगा, छापा मारेगा, तो ये छापा मारने वाला जो विशेष पुलिस अधिकारी है वो इंस्पेक्टर स्तर से उच्च स्तर का होगा। इंस्पेक्टर स्तर से उच्च स्तर का, यानी कोई आरपीएस होगा तो इंस्पेक्टर स्तर से कैसा होगा? उच्च स्तर का होगा। तो इंस्पेक्टर स्तर से उच्च स्तर का होगा और साथ में जब ये रेड डालेगा तो इसके साथ उस क्षेत्र के दो सम्मानित व्यक्ति होंगे, उस क्षेत्र के दो सम्मानित व्यक्ति भी इसके साथ होंगे और उन दो में से भी एक महिला इसके साथ में होगी, तब जाकर किसी स्थान पर जाकर ये अधिकारी रेड मार सकता है या छापा मार सकता है। तो ये सारी बातें अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आपने पढ़ी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और अब आप सभी जो मैंने राजस्थान पुलिस में ये अब महिला अपराध पढ़ाया है, इसकी वीडियो को कंटिन्यू लें दोस्तों। और अभी हमारा जो राजस्थान में महिला बाल अपराध जो संबंधित जो हमारा एक चैप्टर था, जो पूरा कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया इसी वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।